एक सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये फैसला पी ने कर लिया है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है और अलाइनमेंट्स भी हो गई हैं और जगहों का तयन भी हो गया है और किसने कहाँ से कितना काफ़िला लाना है अगर इस चीज़ का वे फैसला हो गया है और इमरान खान साहब हर जलसे में उसका इज़हार भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जमनी इलेक्शनों में भी फतह याब हो चुके हैं तो अब तारीख़ देने में क्या रिजल्ट इमरान खान साहब तारीख क्यों नहीं दे रहे रोज़ाना की बुनियाद पर ये सहाफ़ियों से मिलते हैं रिपोर्टर से मिलते हैं आ ये सोशल मीडिया के वर्कर्स के साथ भी इनकी मुलाकात हुई तो हर जगह पर इमरान खान साहब मुलाकात करके हर बार ये कहते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा हतवीं होगा और इसी महीने के अंदर होगा और मैं लॉन्ग मार्च की कॉल देने लगा लेकिन कॉल क्यों नहीं दी जाती और दिन का तयन क्यों नहीं किया जाता ये एक सवाल है यकीन आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा तो उसके पीछे बड़ी दिलचस्प सूरत आल है एक बड़ी दिलचस्प वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब तारीख नहीं दे रहे और लॉन्ग मार्च को अभी वो होल्ड करके बैठे हुए आखिरी कार्ड आखिरी पता नहीं फेंक रहे और वो चीज़ क्या है वो चीज़ है मजाक पी का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट और पी के दरमियान मजाक हो रहे हैं अब ये ओपनली पी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती लेकिन ये सरगोशियों में ये बात की जाती है कि हमारे मजाक हो रहे हैं और मजाकर की थोड़ी सी तफसील भी बताई जाती है खुद इमरान खान साहब भी इस चीज का एतराफ कर चुके हैं कि मुजाकर हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे इमरान खान साहब ने क्या कहा था आप पहले वो मुलायजा कर लें ताकि फिर आपको बात को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा क्या मैं कि हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहा है यानी उनके अंदर अभी तक कोई थोड़ी हमारी बैक चैनल पे हुआ है कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है क्योंकि वह नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा आप इमरान खान साहब की बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि मुजाकर हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे क्लैरिटी नहीं है अब सवाल ये कि अगर मुजाकर हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं किस तरह हो रहे हैं और उसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है इसका जो जवाब दिया जाता है और जो कुछ बताया जाता है वो बड़ा दिलचस्प है कहा यह जाता है कि ये मुजात ईवान सदर में हो रहे हैं और सदर साहब इसकी निगरानी कर रहे हैं और सदर साहब इनिशिएटिव लिया सदर साहब ने और पी टी आई की तरफ से परवेज़ खटक साहब इन मुजाकरात में शर्क होते हैं और उनके साथ दो और साथी भी शामिल हैं जो ईवान सदर में जाते हैं और फिर इनकी दूसरी इस्टेबलिशमेंट के जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात होती है ये पी टी आई अपने ज़रा इस चीज़ का अहतराफ़ करते हैं और फिर इसके बाद जो फ़ैसला होता है या जो तजावीज़ होती हैं ये तजावीज़ जो हैं एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक साहब हैं एम पी हैं मैं उनका नाम भी बता देता हूँ मलक मोहम्मद अहमद खान साहब ये उन तक पहुँचाई जाती हैं और मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब फिर मियान वाशी साहब से रबता करते हैं और वो इसीलिए एक फ़ाइनल एजेंडा या फ़ाइनल एक प्रोग्राम लेकर लंदन में मियाँ नवाशी साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं लेकिन अब क्या वाकई ये मुजात हो रहे हैं या किस लेवल पर हो रहे हैं देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं जो इन मज़ाक में डिस्कस हो रही हैं पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो आर्मी चीफ़ अगले आर्मी चीफ़ हैं उनकी तैनाती मियाँ नवाशी साहब या मियाँ शबाशी साहब को या सफरी सत्तारी साहब को नहीं करनी चाहिए लिहाजा इसको इस तैनाती को आप आगे लेकर जाएं और नई हुकूमत जब बनेगी तो वो नया आर्मी चीफ़ तय कर लेंगे और इस दौरान जनरल बाजवा साहब एक इसी पोजीशन में रहें और जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते वो आर्मी चीफ़ की कुर्सी पे तशीर रखें अख्तियार इस्तेमाल करें और जो ही जब नई हुकूमत बन जाए तो वो ये नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का इख्तियार उस उसकूमत के हवाले करके खुद रुखसत हो जाएँ तो फिर उसके बाद नई हुकूमत नया आर्मी चीफ़ तैनात कर ले एक तो इस चीज़ पर बात हो रही है सेकेंडली अगले इलेक्शन जो है उस पर बात की जा रही है पीटीए की तरफ़ से ये तजवीज़ है कि इलेक्शन जनवरी में हो जाने चाहिए अक्टूबर के आखिर में गवर्नमेंट फारह हो गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि हम मुसाफी हो रहे हैं उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए और वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो जनवरी के अंदर इलेक्शन करवा दे ये पी की तस्वीर है और इस पे इमरान खान साहब या प्रवेश खटक साहब सदर साहब के ज़रिए इस्टबलिशमेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगले जो इलेक्शन हो उनको इंश्योर किया जाए कि वह फेयर एंड फ्री होंगे और उसे फेयर एंड फ्री करने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करें और उसके लिए बाकायदा कुछ नाम भी दिए जा रहे हैं कि आप इनको हटा के ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगा दें और उसको फुल इख्तियार दें और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच हो जो इन उन इलेक्शंस की निगरानी करे और देखे कि किसी जगह पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई लिहाजा जो भी इलेक्शन अगली मरतबा हों उसको गार्ड करे या उसकी निगरानी करे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच ये तजवीज़ है पी की तरफ से अब दूसरी तरफ से सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट इसको मान रही है गवर्नमेंट इसको नहीं मान रही जो मियाँ शवाशी साहब हैं अब पी के अपने सोर्सेज का कहना है कि मियाँ शबाशी साहब इनकार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और अगले इलेक्शन जो है वह अगले अगस्त दो के अंदर ही होंगे और जब तक मामला ठीक नहीं होते इकानमी बेहतर नहीं होती और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नों वाकई अपनी पोजिशन पर वापस नहीं आती हम लोग हकूमत नहीं छोड़ेंगे और ये सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा अब एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई ही ये मुजाकरत हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नों का ये मौक़ है कि ऐसा ऐसे मजाक किसी किस्म के नहीं हो रहे बल्कि एक हमद मीर साहब ने एक ट्वीट भी की है कि अगर कुछ हो रहे थे तो वो नाकाम हो गए लेकिन मैं बड़ी आयसी के साथ अमन मीर साहब से इख्लाफ करूँगा कि मुखरत अभी तक जारी हैं वह सिलसिला अभी टूटा नहीं है किसी न किसी लेवल पर डेड लाख डेफिनेटली एक दिन पहले था लेकिन अब वो डेड लाख दोबारा ख़त्म हो गया और फिर से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चल रहा है और इस जो चलना है इसका इमरान खान साहब को पता है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि, कि इनके ऐलान से पहले पहले ये मामला सेटल हो जाए और अगर ये मामला सेटल नहीं होते तो फिर इमरान खान साहब फ़ाइनल कॉल देंगे अब इन मुखरत के बारे में गवर्नमेंट का क्या मौक़ है वो राना सनाओला साहब का भी मौक़ सुन लें और ख्वाजा आसफ़ साहब का भी मौका सुन लें कि इन दोनों ने इन मुजाक्रत के ऊपर यह इमरान खान साहब का ये जो एतराफ़ था कि मुजाकर हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे इस पर इन दोनों ने क्या कहा था मैं समझता हूँ कि मुजाकर जो है ना वो कोई नहीं हो रहे ये अपने साथियों को आसरा कराने के लिए जो है इन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि जी हमारे मुखरत हो रहे हैं हमारे साथ तो इसके कोई मुत नहीं हो रहे हैं बल्कि अपोजिशन के साथ तो मुखरात यानी इस वक्त की हुकूमत और कल का, का, की अपोजीशन जब ये खुद बरसे थे तो ये तो पौने चार साल में इन्होंने जहमत गवार की अब गवर्नमेंट तो इसका अतराफ़ नहीं कर रही और इनका कि ये कहना है कि कोई मुजाक नहीं हो रही एक पे और ख्वाजा आसा साहब एक पिछली मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि तीन लोग इनकी तरफ से थे और दूसरी तरफ से भी लोग थे और वो कोई भी मुलाकात जो होती गैर सियासी नहीं होती लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कल रात हमारे शो में ये एतराफ़ किया था कि मुखरात हो रहे हैं और उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा चौधरी साहब ने क्या कहा था वो भी मुलायजा कर लें आप ये ऐसे ही घबरा जाते हैं बात हर बात के ऊपर देखिए एजेंसी होती है ना पूरी दुनिया में ये यूनिक नहीं है पाकिस्तान के साथ वो तो सबसे ताल्लुक रखती है तो आपका जो है वो राइ के साथ है बेसिकली ISI के साथ ये मैं स्पेसीफाई तो नहीं कर सकता किसके साथ ताल्लुक है किसके साथ नहीं है लेकिन मैंने आपसे कहा है कि जो इदारे हैं ना इदारे, वो अपना ताल्लुक सबसे रखते हैं ठीक तो आपके साथ है है उसमें तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो एक चीज स्टैब्लिश होती है कि मुजाकर वाकई हो रहे हैं और अगर मुखरत ना हो रहे होते तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से अफरा तफरी है जिसमें रियाज़ पीरजादा साहब भी इस्टबलिशमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और जावेद लतीफ़ साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी भी लाडले को कहीं कही ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है वो देख लें और इसके बाद जो बाकी लोग हैं पार्टी के अंदर उनकी तरफ से जो एक शदीद किस्म का बयान आ रहा है इस सारी चीज़ों को जेन में रखें तो पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है और उस पकने का जो ताल्लुक़ है वो लॉन्ग मार्च के साथ है अब सवाल ये है कि क्या ये मुझक कामयाब हो जाएंगे या वाकई इस्टबलिशमेंट या पाकिस्तान के जो मकतदर इदारे हैं वो चीज़ों को अनडू कर देंगे और ये जो गवर्नमेंट है ये चली जाएगी और नए इलेक्शन की तरफ जाएगा मुल्क मेरा ख्याल है इतना आसान काम ये नहीं होगा अगर आप इसे अनडू करते हैं तो इसका नुकसान इस गवर्नमेंट के चलने से ज़्यादा खौफनाक होगा क्योंकि ये दोबारा ट्रैक पे चलें बुरा ही सही लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये ट्रैक पे मामला को ले आए अब इसको अगर दोबारा डी कर दिया गया तो गवर्नमेंट के या स्टेट के लिए मामला को चलाना इतना आसान काम नहीं होगा तो जिस तरह इमरान खान साहब प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक कार्ड दिखा रहे हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ ये लॉन्ग मार्च फाइनल होगा और अक्टूबर के महीने में होगा बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ से भी वो इस्टेब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट हो वो भी मुजाकर को लिंगर आन कर रही है ताकि पंद्रह नवंबर आ जाए और इस पंद्रह नवंबर तक नए जो आर्मी चीफ़ हैं उनका तयन हो जाए या उनका फ़ैसला हो जाए दोनों तरफ़ से खींचा था की जा रही है इमरान खान साहब की कोशिश है कि ये जो मुजाकर हो रहे हैं इनका नतीजा तीस अक्टूबर से पहले पहले आ जाए और दूसरी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मुजाक को इतना लिंगरान किया जाए कि वो वक्त आ जाए जब मियाँ शबाशी साहब नए आर्मी चीफ़ का तयन कर दें फैसला कर दें तो उसके बाद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी अब देखते हैं कि अगले पंद्रह दिनों में या अगले 20 या 25 दिनों में क्या होता है ये चीज़ तय है कि इस सारे दौर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ पक रहा है और इस पकने का कुछ ना कुछ अफेक्ट ज़रूर होगा या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा